कोरोना महामारी के चलते लगभग 2 महीने से कर्फ्यू जैसी स्थिति है। पूरा लेन देन ठप हो गया है। आर्थिक रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपने 300 यूनिट तक की खपत वाले ग्राहकों को बिजली बिल माफ करने की मांग थी, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और पूर्व अभिभावक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को तत्काल बिजली विभाग को 300 यूनिट तक की बिजली माफ करने का निर्देश जारी करने की मांग की है। कर्फ्यू ने अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। ऐसे में अगर गरीब परिवार का बिजली बिल माफ किया जाता है तो भी राहत मिल सकती है। स्थिति सामान्य होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, इसलिए पूरे बिजली बिल को उन गरीब उपभोक्ताओं के लिए माफ किया जाना चाहिए जो मुंबई सहित राज्य में प्रति माह 0 से 100 और 0 से 300 यूनिट बिजली का उपभोग करते हैं। यह कर्फ्यू की अवधि के दौरान बिल होगा। पूर्व ऊर्जा मंत्री और पूर्व संरक्षक मंत्री बावनकुले ने ऊर्जा मंत्री राउत से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्रातील मध्यम वर्गीय व आर्थिक दुर्बल परिवाराचे 300 युनिट पर्यंत प्रतिमाह 3 महिने विजेचे बिल माफ करावे अशी विनंती यापूर्वीच मी शासनास केली आहे। शासनाने काही निर्णय घेतला नाही। 3 महिन्यापासून लॉकडाऊन मध्ये असलेला मध्यम वर्गीय आर्थिक दुर्बल परिवार हा किराया भरू शकत नाही। आज परिस्थिती अशी आहे की अन्न आणि किराणा घरी आणू शकत नाही, मुलाच्या शिक्षणाची फी भरू शकत नाही आणि त्यामुळे विजेचं बिल कधीच भरू शकणार नाही। आज पुन्हा माझी मागणी आहे की शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि मार्च एप्रिल मे या 3 महिन्याचं 300 युनिट प्रतिमहा इतकं वीज वापरणारे मध्यमवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल परिवाराचं विजेचं बिल माफ करावं अशी मागणी आहे।